ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसे उर्दू में कहा जाता है कानून तकसीर हासिल। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कानून तकसीर हासिल को जरा सादा लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब सादा लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मिकदार में इजाफे और मिलने वाले टोटल आउटपुट या पैदावारियत के दरमियान। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, हम सब के इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों के रूहानी चचा मोहतरम जनाब एल्फर्ड मार्शल साहब इस लॉ के हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मिकदार में इजाफा करते चले जाएं तो एक खास हद तक उसके आउटपुट के अंदर भी इजाफा होता चला जाता है। यहाँ रुके मैं आपको एक बात बताता चलूं कि फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी आमलीन पैदाइश के अंदर हम किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यानी आमिल पैदाइश को मुस्तकिल यानी फिक्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लैंड को कर लेते हैं फिक्स और बाकी बचे कैपिटल और लेबर उनको हम फिलहाल वेरिएबल के खाते में डाल देते हैं। सो पूरी बात को अगर मैं सादा लफ्जों में बताऊं तो वो कुछ यूं होगा कि अगर हम लैंड को फिक्स रखें, कैपिटल और लेबर में मुसलसल मिकदार में इजाफा करते चले जाएं तो मिलने वाले मार्जिनल आउटपुट में इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ इजाफा आता चला जाता है। सर एक सवाल है, ये इंक्रीजिंग रेशो क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि सर ये इंक्रीजिंग रेशो क्या है। भाई इंक्रीजिंग रेशो का मतलब ये है कि हर दफा मिलने वाली इजाफी मिकदार, मिसाल के तौर पर पिछली दफा 300 एक्स्ट्रा मिले, इस दफा 400 एक्स्ट्रा मिले, अगली दफा 500 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये जो हर दफा मिलने वाला इजाफा है इसे हम मार्जिनल आउटपुट का नाम देंगे। और अब हम चलते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ यानी टेबल और ग्राफ, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। सो जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि लैंड को हम कांस्टेंट रखेंगे, लेबर या कैपिटल को हम वेरिएबल कर लेंगे। लैंड के आपके सामने टेबल बना हुआ है और उस टेबल को गौर से देखें जिसके अंदर लैंड को हमने फिक्स रखा यानी 5 एकड़ की लैंड हमने कांस्टेंट रख ली। जबकि दूसरी साइड पर अगर आप वेरिएबल को देखें तो वो हम उसमें इजाफा करते चले जा रहे हैं यानी पहले एक लेबर, फिर दूसरा लेबर, फिर तीसरा, चौथा और पाँचवा। इसके साथ यानी तीसरे खाने के अंदर आपको टोटल आउटपुट का पोर्शन नजर आ रहा है। टोटल आउटपुट के खाने के अंदर हम देख सकते हैं कि जब हमने 5 एकड़ जमीन के ऊपर एक लेबर लगाया तो हमें 100 किलो की गंदम मिली यानी तुम्हारी प्रोडक्शन ये थी। लेकिन अगर आप साथ वाले खाने में मार्जिनल आउटपुट में देखें तो चूंकि कोई इजाफी नहीं मिला लिहाजा आप वहां पर मार्जिनल को देख सकते हैं कि हमें कितना मिला। फिर हमने 5 एकड़ के ऊपर मजीद जब हमने ज़मीन के ऊपर दूसरा लेबर लगाया, मजीद इजाफा किया तो हमें 300 किलो गंदम मिली। वो या दूसरा लेबर लगाने से प्रोडक्शन में मजीद इजाफा हुआ। 5 एकड़ ज़मीन पे फिक्स लैंड के ऊपर तीसरा लेबर लगाया तो हमें 600 किलो गंदम मिली। 5 एकड़ के ऊपर जब हमने चौथा लेबर लगाया तो हमें 1000 किलो गंदम मिली। और जब हमने 5 एकड़ के ऊपर पाँचवा मजदूर लगाया तो अब की बार हमें 1300 किलो गंदम मिली। ये तो थी टोटल गंदम में इजाफा। अब जरा देख लेते हैं मार्जिन के ऊपर। आप देखिए कि जब हमें 100 किलो गंदम मिली तो उस वक्त हमारे पास चूंकि कोई इजाफी मार्जिनल आउटपुट नहीं था। इसके बाद हमें 5 एकड़ के ऊपर जब दूसरा मजदूर लगा तो हमें 100 के बाद 300 किलो गंदम मिली, गोया यहां पर हमें 200 किलो इजाफी गंदम मिल गई यानी ये मार्जिनल आउटपुट हुआ 100 से 300 तक 200 इजाफी। तीसरा लेबर लगाया तो हम 600 पे गए, वह इस दफा हमें 300 किलो इजाफे मिला। उसके बाद जब हमने चौथा लेबर लगाया तो अब हमें 600 के बाद 1000 का हमने गैप फिल किया तो अब की बार हमें 600 से 1000 तक का यानी 400 किलो एक्स्ट्रा गंदम मिले। लेकिन जब हमने पांचवा लेबर लगाया तो अब की बार 1000 से 1300 किलो गंदम मिली लेकिन इजाफा सिर्फ 300 का हुआ। गोया ये वो पॉइंट था जहां पर मुसलसल वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इजाफा करते हुए मार्जिनल आउटपुट में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। पहले हमें 200 इजाफी, फिर 300 इजाफी, फिर 400 इजाफी, लेकिन 400 इजाफी के बाद अब डिक्लाइन आना शुरू हो गया और अब हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिनल आउटपुट था वो 300 का मिला। गोया 400 तक तो ये ऊपर गया और 400 के बाद अब ये नीचे आना शुरू हुआ। ये शुरू से लेकर यानी 100, 200, 300 से 400 तक ये जो सफर हमने तय किया इसको आप कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। जबकि इसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो गया जो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ये हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आप आगे ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ के ऊपर भी आप देख लें, एक तरफ हमने रखा है आउटपुट और दूसरे एक्सेस के ऊपर हमने रखा है वेरिएबल फैक्टर यानी कैपिटल और लेबर। आप डिवीजन देख सकते हैं कि हमने आउटपुट की डिवीजन की है 100 किलो, 200, 300, 400 और 500 किलो की, और दूसरी तरफ हमने डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5 करके की है। अब आप देखेंगे कि चूंकि ग्राफ के अंदर था पहली दफ़ा चूंकि कोई भी एक्स्ट्रा या एडिशनल या मार्जिनल आउटपुट नहीं मिला, सो लिहाजा हमने वो जगह डॉट के ऊपर लगा दिया।
इसके बाद जब हमने देखा कि दूसरा लेबर लगाया तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिनल आउटपुट 200 का मिला, सो वो 2 के ऊपर 200 ये डॉट हमने लगा दिया। जब हमने तीसरा लेबर लगाया तो तीसरे लेबर के बारे में हमें 300 किलो एक्स्ट्रा वीट यानी मार्जिनल आउटपुट मिला, तो वो डॉट हमने 3 और 300 के सामने डॉट लगा दिया। जब हमने चौथा लेबर लगाया तो हमें 400 केजी वीट मार्जिनल आउटपुट मिला। ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स्ट्रा आउटपुट मिलना बंद हो जाता है और उसके बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड डिक्लाइनिंग के अंदर कन्वर्ट होता है। और जब हम पांचवा लेबर लगाते हैं वेरिएबल फैक्टर, तो उसके बाद 400 से वो दोबारा 300 पे आता है, यहां से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये वाला पोर्शन जो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर 400 यानी चौथा लेबर लगाने तक इजाफा हुआ, ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने ग्राफ में पढ़ा, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। जैसे जैसे इंक्रीज होगा रिटर्न, वैसे वैसे कॉस्ट या पर यूनिट लागत कम आती जाएगी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट, इसका टेबल और इसका ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।